हजरत मूसा अल्लाह ताला के वो बरगजीदा नबी हैं जिनका जिक्र उनका नाम लेकर कुरान पाक में 136 मर्तबा फरमाया गया है, जो किसी भी दूसरे नबी से ज्यादा है। हजरत मूसा को अल्लाह ताला से कलाम करने का शरफ भी हासिल है, जिसकी वजह से उन्हें कलीमुल्लाह भी कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दफन करने की सही जगह मालूम नहीं, लेकिन एक रवायत के मुताबिक सलाहुद्दीन अयूबी ने एक बार ख्वाब देखा जहां इन्हें ये जगह दिखाई गई। उन्होंने इस जगह पर एक मस्जिद बनाई थी, जिसे सुल्तान बेबारिस ने 1269 ईस्वी में मजीद बढ़ाया था। ये मुकाम जेरिको से 11 किलोमीटर जनूब और यरूशलेम से 20 किलोमीटर मशरिक में वाकई है। ये इमारत एक बड़े मरकजी सहन पर मुश्तमिल है, जिसके चारों अतराफ में 120 कमरे हैं, जिसमें मस्जिद के दाएं तरफ हजरत मूसा की तदफीन है, जो सहन की मगरबी दीवार के खिलाफ बनाई गई है। हजरत अबू हुरैरा रजी ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा ने उनकी आंख पर थप्पड़ दे मारा। फरिश्ता अल्लाह ताला के पास वापस आया और कहा कि आपने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि मूसा के पास वापस जाओ और उसे कहो कि अपना हाथ बैल की पुश्त पर रखे और उसके नीचे आने वाले हर बाल के बदले उसको एक साल की जिंदगी दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए रब, इसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर मौत। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि इन्हें मुकद्दस सरजमीन यानी मस्जिद अक्सा के इतना करीब मरने दें कि वो उससे एक पत्थर के फेंकने के फासले पर हों। अबू हुरैरा रजी ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें उसकी कब्र सड़क के किनारे सुरख रेत के टीले के नीचे दिखाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अंबियाए कराम के बारे में मजीद जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।